Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the chapter number 12 of class 10th science, that is electricity. Okay, so आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और जिसके हम क्या करेंगे आज NCERT सॉल्यूशन, ठीक है, NCERT सॉल्यूशंस और कौन से वाले बैक एक्सरसाइज के जो NCERT क्वेश्चंस हैं उनके हम आज सॉल्यूशंस करने वाले हैं. ओके, इंटेक्स क्वेश्चंस के भी करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के इंटेक्स आंसर्स देख लेते हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है. और जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन सही है, आंसर जो आपने निकाला है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर वो आंसर गलत आ रहा है तो आपको देखना है कि आपने कौन से फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी, या किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, या कोई आपने जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर दी. ओके, सो स्टार्ट करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है. सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है. सो आपको मार्क करना है जो जो चीज़ें गिवन है. रेजिस्टेंस क्या गिवन है, आर गिवन है एक वायर की, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. अब वो जो वायर है हमारा जिसकी रेजिस्टेंस आर थी, चलो वायर ड्रॉ करते हैं, ये रहा वायर, इसके रेजिस्टेंस क्या है, आर है. अब इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है. सो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने कट कर दिया लगभग, अब इनको आप इक्वली मान लो. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, अब जो है हमने इन पार्ट्स को क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. यानी कि ये जो रेजिस्टेंस आर थी हमारे वायर की, अब ध्यान दो यहाँ पर, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर टू आर डैश. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आर अपॉन आर डैश. आर डैश तो हमें पता लग गया कि दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और आर है क्या हमारी जो पहले से रेजिस्टेंस थी वायर की. लेकिन ये जो आर डैश है वो किस कॉम्बिनेशन की बात करी जा रही है. सो ये कॉम्बिनेशन यही है जो आपने आर एक वायर थी जो लेंथ थी उसकी पर्टिकुलर, और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में जब आपने ब्रेक करा था, जब आप इन पार्ट्स को अब पैरेलल में कनेक्ट करोगे, सो जो इक्विवेलेंट आपका निकल के आएगा वो होगी आपकी आर डैश, आर इक्विवेलेंट. ओके, सो ये तो हो गया हमारा आर अपॉन आर डैश क्या है, ठीक है. और क्या कहा गया है कि उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होगा कि एक जो वायर है हमारा, जैसे ये एक लंबा वायर था, लेकिन अब हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि 5 वायर्स बन चुके हैं. तो अब उन 5 वायर्स को मैं सेपरेटली बना लेती हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है. इनके टोटल कंबाइंड लेंथ कितनी थी, L थी, ठीक है. अब R है तो लेट द लेंथ बी L, ठीक है. सो लेंथ L थी, तो एक पर्टिकुलर को मैंने जब इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. सो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इस लेंथ के मैंने 5 इक्वल पीसेस कर दिए, यानी कि L बाय 5, L बाय 5, L बाय 5, L बाय 5 एंड L बाय 5. क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो R जो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ के अब आपको फॉर्मूला बता हो रेजिस्टेंस का, सो दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है. सो रो L अपॉन A लेंथ के जो है रेजिस्टेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो यहाँ से मुझे समझ आया कि रेजिस्टेंस जो न्यू रेजिस्टेंस है एक वायर की, आई कैन से दैट टू बी आर बाई 5, ठीक है. जो हमारी पुरानी रेजिस्टेंस थी टोटल पूरे फायर की दैट वॉज आर,
अब जो लेंथ मैंने कम कर दी, सो लेंथ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, सो आर बाय फाइव क्या हो जाएगी, नए वाली रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, सिर्फ एक वायर की, इतने की, ठीक है। सो अब मुझे इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करना है, सो चलो करते हैं। ये मैंने लिया सर्किट अपना बनाया, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ये हमने कर लिए सभी वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इसके कितनी है, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव, आर बाय फाइव एंड आर बाय फाइव। अब काफ़ी सिंपल हो चुका है रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का, 1 by R equivalent, equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn। याद है सभी को? अगर याद नहीं है सो अब आप अपनी नोटबुक में लिखो और इन सभी फॉर्मूले को याद करोगे, ठीक है, इन सभी फॉर्मूलेस को याद कर लो, ठीक है। अब हमारे पास कितने रेजिस्टर्स हैं, 5 रेजिस्टर्स हैं, ओके। सो हमें क्या करना होगा, 1 by R equivalent इज इक्वल्स टू वन बाय, सभी के वैल्यूज इक्वल है इसका ध्यान रखना यहाँ पर, सो आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर थ्री इक्वल्स टू आर फोर इक्वल्स टू आर फाइव इक्वल्स टू आर बाय फाइव, क्लियर है इतना। सो अब मुझे क्या करना है, वन बाय, देखो यहाँ ध्यान से समझो, वन बाय आर बाय फाइव लिखना है, तो मैं इतना लंबा 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 लिखूंगी पाँच बार, उसके बजाय डायरेक्ट मैं इसको ऊपर ले जाके फाइव बाय आर लिख दूँ, सिंपल है, वन बाय फाइव बाय, वन बाय आर बाय फाइव इज इक्वल्स टू फाइव बाय आर, कैसे हुआ देखो दोबारा समझो, यहाँ पर वन बाय आर बाय फाइव जो है, वन के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि वन के नीचे वन है, और क्या है नीचे, आर बाय फाइव है, तो ये जो नीचे डिवाइड में है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो वन बाय वन इंटू में ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फाइव बाय आर, वन बाय वन को डायरेक्ट हटा सकती हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है वन का, सो क्या हो गया, फाइव बाय आर। सो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, फाइव बाय आर को फाइव टाइम्स लिखूँगी, फाइव बाय आर, फाइव बाय आर, क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। काफ़ी सिंपल चीज़ है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए सिंपल है आपका, बाकी सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, धीरे धीरे आप समझोगे फॉर्मूले को आप अप्लाई करना सीखोगे, सो सारे क्वेश्चंस आपके इजी हैं, ठीक है। सो वन बाय आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, फाइव बाय आर, फाइव बाय आर, इन सभी को मैंने ऐड कर दिया। सो अब क्या हुआ, अब डिनोमिनेटर सेम है, सो वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन आर, ठीक है। अब मुझे याद हो तो निकालना है R अपॉन R डैश, जहां पर मैंने आपको बताया था दिस R डैश इज व्हाट, दिस इज R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट है। सो सिंपली मैं क्या करूंगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, R ऊपर चला जाएगा तो R अपॉन R डैश का मुझे रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। सो R अपॉन R इक्विवेलेंट को R डैश लिखते हैं, इक्वल्स टू वन नीचे आ जाएगा, 25 अपॉन वन, सो ये मुझे रेशियो मिल गया जो मुझे चाहिए था, रिक्वायर था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 25 अपॉन वन, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को देखोगे तो डायरेक्ट 25 गिवन है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है सभी को, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 25। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब मूव ऑन करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, ओके?